हेलो फ्रेंड्स, तो आज की सीरीज में हम करेंगे टीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग रीजनिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को। तो फ्रेंड्स, आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी जरूर प्रिपेयर कर लें ताकि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प मिले और आप कितना प्रिपेयर हैं अपने एग्जाम के लिए इसका भी आपको आइडिया हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करें कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है, 995 स्क्वायर प्लस 99 स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूलों का नॉलेज होना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हम यहीं पे रहने देंगे और माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है? इस साइड आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2ab, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा 995 है और बी है 99। तो अब आप इसके प्लेस पे वैल्यू पुट कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 995 प्लस 99 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab में आपका होगा 2 × 995 × 99। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको कैलकुलेट करने पे जो राइट आंसर मिलेगा वो ऑप्शन ए है। सेकंड क्वेश्चन आपका सीरीज पर बेस्ड है, नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है? तो इसके लिए आपको ए बी सी डी का सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सीरीज लिख चुके हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है के, के के बाद हमें मिला है एम, एम के बाद है क्यू। देखिए, यहाँ पे पहले एक लेटर स्किप किया है, फिर तीन लेटर किए, फिर हमें क्यू मिल गया। फिर से देखिए, हम एक लेटर स्किप कर रहे हैं तो हमें एस मिल रहा है। ऐसे ही जब हम थ्री लेटर स्किप करेंगे तो हमें इस सीरीज का अगला टर्म मिल जाएगा डब्ल्यू, ठीक है? तो डब्ल्यू इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त सी का क्षेत्रफल 9π है, तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा? ये एक सर्कल है, इसका आपको एरिया 9π गिवन है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है, और ये कंप्लीट होता है इसका डायमीटर, जिसका हाफ होता है रेडियस। तो आप इसे कैलकुलेट करने के लिए देखिए, सर्कल का एरिया आप लिख लेंगे पाई अपॉन 4d², डायमीटर हम ले लेंगे तो इक्वल टू हमें मिल जाएगा 9π जो गिवन है। पाई से आप पाई कैंसिल कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9 × 4 = 36, यानी कि d² = हमें मिल गया 36, तो d हमें मिल जाएगा 6। अब d जब हमें डायमीटर ये कंप्लीट 6 मिल गया है तो सिंपल सा है, ये भी 6 होगा, ठीक है? ऑल साइड इक्वल होती है स्क्वायर में, तो आप इसे सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, 6 × 6 यानी कि स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 36, ठीक है? कैसे कैलकुलेट किया ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका आंसर खुद ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी पर बेस्ड, घड़ी की सुइयों के मध्य 12:30 पर कोण क्या होगा? मिल जाएगा 165 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल 3 आए। तो देखिए, इस कंडीशन में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है। आप इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा एलसीएम, देखिए 2520। शेषफल कह रहा है आपसे 3 आए तो आपको ऐड कर देना है, तो 2523 आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग के रिगार्डिंग है। मिनिएचर को 4959125 लिखा जाता है, तो उसी कोट में प्राइवेट को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना लॉजिक इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, मिनिएचर यानी कि एम की जो पोजिशन है इंग्लिश अल्फाबेट में वो है 13 नंबर पे, ठीक है? ये आपको ऐड कर देने हैं, 1 + 3 आप करेंगे तो 4 मिल जाएगा, यानी कि पहला जो नंबर यानी कि डिजिट है वो ऐड करने पे मिली है। इसी तरीके से आगे की जो डिजिट है, आई की पोजीशन 9 नंबर पे होती है, उसे हम ऐसे लिख देंगे, फिर हम एन को करेंगे। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को, इसी तरीके से प्राइवेट के लिए करेंगे। देखिए, पी की जो पोजीशन है इंग्लिश अल्फाबेट में 16 है, तो इनको आपस में आप ऐड कर लेंगे तो पहली डिजिट मिल जाएगी हमें 7। आर की पोजीशन देखिए 18 है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे 9। तो इस तरीके से जब आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन डी 7994125 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी टंकी को क्रमशः 12 मिनट व 18 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, यदि 4 मिनट के बाद नल ए को बंद कर दिया गया तब शेष टंकी को
भरने में नल बी कितना समय लेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा 8 मिनट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग इसको सॉल्व जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा युग्मक तथ्य को दर्शाता है। जनरली देखिए आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, फिर भी अगर पूछा जाएगा तो तथ्य को इसमें दर्शाने वाला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पद को चिन्हित करो जो समूह से अलग है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए भारत, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना। तो देखिए भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और रूस जो है ये सदस्य हैं, ठीक है, और ये एक साथ हैं, तो अर्जेंटीना इनमें सबसे अलग होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग एक औरत के चित्र की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, उसकी बहन के पिता मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र हैं, व्यक्ति का चित्र वाली औरत से क्या संबंध है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, एक औरत के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति, सपोज व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, ये औरत के चित्र की ओर इशारा करता है, यहाँ पे सपोज कोई औरत है, और इनकी बहन के पिता मेरे दादा के अकेले पुत्र हैं। देखिए ये कह रहा है कि इनके बहन की बात हो रही है, इनके पिता मेरे दादा के अकेले पुत्र हैं, इनके दादा के अकेले पुत्र हैं, तो सबसे ऊपर दादा हो जाएंगे, सेकंड जनरेशन में पिता होंगे, तो व्यक्ति का चित्र वाली औरत के साथ जो संबंध होगा देखिए वो आपस में भाई बहन का होगा, क्योंकि ये एक ही सीरीज में आ रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनकी पूर्ववर्ती संख्या 6 है और अनुसरण करने वाली संख्या 4 नहीं है। यानी कि 7 से पहले 6 तो है लेकिन 7 के बाद 4 नहीं होना चाहिए कह रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कितने साथ आपको गिवन है पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, पहली कंडीशन में यहाँ पे है 6 पूर्ववर्ती है लेकिन 4 बाद में नहीं है। दूसरा है देखिए 6, 7, 2, तो दो ऐसे नंबर हैं जहां पे ये श्री फॉलो हो रही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है कि बी ए का पति है, ए माइनस बी का अर्थ है बी की माता ए है, ए डिवाइड बी का अर्थ है कि बी के पिता ए हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प पी को टी की नानी इंगित करता है। ए प्लस बी दिया है, उसकी जगह पर हमें अब हर एक कंडीशन में पी और टी को रखना है। तो जब आप इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो राइट स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस टी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर x 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z है, तब 1/z माइनस 1/y का मान कितना होगा। तो कैलकुलेट करने पे आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन ए 2/x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि 8 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/3 इक्वल टू 0, तब ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का मान क्या है। इसके लिए देखिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3ABC। राइट आंसर हमें मिल जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14/33, 42/55, 21/22 का एलसीएम आपको निकालना है। देखिए फ्रैक्शन का जब एलसीएम निकालना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब आप एलसीएम निकालते हैं उसका अलग फॉर्मूला है, और एससीएफ जब आप निकालते हैं उसका अलग फॉर्मूला है। एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले देखिए आप करेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि अंश का लघुत्तम समापवर्त अपॉन हर का यानी कि डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ऊपर वाले जो नंबर हैं इनका एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वालों का निकालेंगे एचसीएफ, तो राइट आंसर हमें मिल जाएगा 42/11। सेम कंडीशन देखिए एचसीएफ के लिए होती है, यानी कि महत्तम समापवर्ती के लिए, तो उसमें क्या करना है आपको, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, इनको आप लोग नोट जरूर कर लें क्योंकि इनसे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन मिसिंग टर्म के रिगार्डिंग है, यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया गया है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। कैलकुलेट करने पे इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी 25। अगला क्वेश्चन है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि ठीक 2 बार चित आएगा। देखिए 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो कंडीशन अलग अलग होंगी, ट्रेल है ट्रेल पहली कंडीशन ही हो सकती है, दूसरी होगी ट्रेल 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 आ जाए, उसके बाद अगली जो कंडीशन है देखिए ट्रेल ट्रेल हो सकता है, तीसरा जो सिक्का है उसमें हेड आए। तीनों सिक्कों की हम कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, और इसी तरीके से टोटल 8 कंडीशन बनेंगी। अब आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 बार चित आए, चित आने की 2 बार कंडीशन, हम देखिए 3 सिक्के हैं तो अगर हम ट्राई करेंगे तो ट्रेल हेड हेड, दूसरी कंडीशन हो सकती है हेड हेड ट्रेल, और तीसरी कंडीशन होगी हेड ट्रेल हेड की। ठीक है, तो यानी 3 कंडीशन है, टोटल हम कर लेंगे 3/8,
तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 3/8 हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 है, 12 वर्षों के पश्चात यह अनुपात 3:1 हो जाएगा, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है। सपोज देखिए, जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु है एक्स, तो पिता की जो एज है यानी कि फादर की एज हो जाएगी 5x। अब आपसे 12 वर्ष की बात कर रहे हैं तो x प्लस 12 और फादर की हो जाएगी x प्लस 12 ईयर के बाद की एज। तो इनका जो रेशियो है देखिए वो दिया जा रहा है आपको 3:1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3/1। इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए मिल जाएगा हमें 5x प्लस 12 इक्वल टू 3x प्लस 36। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 24, यानी कि x आ जाएगा हमारा 12, बेटे की जो एज है वो 12 आ जाएगी। तो देखिए फादर की जो एज है वो 5x है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 60, यानी कि इन दोनों के एज का सम आपसे पूछा जा रहा है योग, तो 60 फादर की है, 12 है सन की, तो ऐड कर लेंगे 72 ईयर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक वृत्ताकार मार्ग में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, आर पी के दाहिने से तीसरा है, क्यू टी के बाएं से तीसरा है, यू पी तथा टी के मध्य है एवं एस यू के बाएं से तीसरा है, तो घड़ी की सुइयों की दिशा के क्रम में 6 व्यक्तियों का क्रम क्या होगा। तो आपको क्लॉकवाइज इनका क्रम बताना है। तो देखिए ये वृत्ताकार मार्ग में बैठे हुए हैं, इस तरीके से हम इनको मेंशन कर लेते हैं, 4, 5, 6, ये 6 व्यक्ति हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, आर पी के दाहिने से तीसरा है, सबसे पहला कहा जा रहा है कि आर पी के दाहिने से तीसरा है, तो सपोज हम पी को यहाँ पे ले लेते हैं तो R तीसरा यहाँ पे होगा इसके दाहिने, क्यू टी के बाएं से तीसरा है, यू पी तथा टी के मध्य है, देखिए यू पी और टी के बीच में है तो यू यहाँ पे होगा, ठीक है, पी और टी के मध्य में है। इसके बाद कहा जा रहा है एस यू के बाएं से तीसरा है, यू के बाएं से तीसरा है तो मतलब एस यहाँ पे है। अब देखिए बचा कौन है, क्यू, ठीक है, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है क्लॉक वाइज इनका सीक्वेंस क्या होगा, तो देखिए एस आर टी यू पी क्यू क्लॉक वाइज इनकी सीरीज बनेगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, विदाउट प्रैक्टिस के इन क्वेश्चंस को आप कर तो लेंगे लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आएगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप इन पर परफेक्ट बनेंगे और उतना ही कम समय आपका एग्जाम में लगेगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, तो टोटल इस डायग्राम में है 11 त्रिभुज, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की सीरीज आपके लिए यूजफुल रही होगी, वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पीडीएफ के लिंक के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।